हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड और हेनरी लॉ की बात की थी। हेनरी ने हमें बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, यानी कि गैस पर हम जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा गैस लिक्विड में सॉल्युबल होने वाली है। और उन्होंने इस सॉल्युबिलिटी टर्म्स को टू चीज़ों से मेजर किया, फर्स्ट इज मास एंड सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन। उन्होंने कहा जितना ज़्यादा गैस का वेट लिक्विड में डिजॉल्व होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और उन्होंने कहा जितना ज़्यादा गैस का मोल लिक्विड में डिजॉल्व होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। और उन्होंने कह दिया वेट ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, दिस इज द फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस वेट ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द अप्लाइड ऑन द गैस। तो उन्होंने कहा डायरेक्टली वेट ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो वेट ऑफ द गैस इक्वल टू के पी, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। और उन्होंने दूसरी बात कही मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। और एक चीज याद रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में हेनरी लॉ आता है तो आप इस वाले लॉ को ही लिख के आओगे, वेट वाले लॉ को नहीं लिखोगे। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है वो मोल फ्रैक्शन वाला है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और दोबारा लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, यानी कि गैस पर आप जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे गैस के मॉलिक्यूल्स गैस का उतना ही ज्यादा मोल लिक्विड में डिजॉल्व होगा उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है सॉल्युबिलिटी। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलेंगे तो आएगा हमारा के डैश पी। हम इसको ये लिख सकते हैं पी इक्वल टू वन अपॉन के डैश एक्स, और उन्होंने इस वन अपॉन के डैश को क्या कहा हेनरी कॉन्स्टेंट, वेयर वन अपॉन के डैश इज के एच एक्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, वेयर के एच इज हेनरी कॉन्स्टेंट, वेयर के एच इज हेनरीज कॉन्स्टेंट। और ये जो हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है, और किसी एक गैस की जो वैल्यू हेनरी कॉन्स्टेंट के लिए जो वैल्यू होगी अलग अलग टेम्परेचर पर भी क्या होगी अलग अलग। ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, ये आपको लिखना है वैल्यू ऑफ के, के एच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। जो के एच की वैल्यू होती है अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर फिक्स होगा उस दौरान अलग अलग गैस के लिए के एच की वैल्यू क्या होने वाली है अलग अलग होने वाली है, क्योंकि अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी भी तो अलग अलग होगी। सपोज दैट इससे हम देख सकते हैं के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो हम इसे लिख सकते हैं के एच इक्वल टू पी अपॉन एक्स, सो वी से दैट के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी क्या होने वाली है कम होने वाली है, अगर कि एक्स की वैल्यू कम है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड क्या होगी उतनी ही कम होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस
क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होने वाली है। यहां तक बात समझ में आ गई। और KH की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि कोई भी गैस किसी लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल होती है, कोई गैस कम सॉल्युबल होती है, और उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, KH पर डिपेंड करेगी। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी कम होगी, और KH की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने अपनी टेबल दी, उन्होंने क्या कहा, टेम्परेचर और KH के बीच में एक रिलेशन बनाया। उन्होंने एक टेबल अपनी, एक मीजरेबल टेबल दी, और उन्होंने उसमें रिलेशन KH और टेम्परेचर के बीच में बताया। अकॉर्डिंग टू हेनरी टेबल, ये आपको लर्न नहीं करनी है कुछ, मैं आपको बस वैल्यू बताता हूं आपको, जिससे आपको समझना है वो एक्चुअल में हेनरी कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम बात करें सपोज दैट गैस टेम्परेचर, और ये बात कर रहा है वैल्यू ऑफ KH, KH की जो वैल्यू है वो उन्होंने दी थी किलो बार में। अकॉर्डिंग टू दिस सपोज दैट उन्होंने ऑक्सीजन गैस ली, टेम्परेचर था हमारा 293 केल्विन, और जहां उसकी वैल्यू सपोज दैट उन्होंने N2 गैस ली एट 293 केल्विन, और KH की वैल्यू थी 76.48 किलो बार। एक्चुअल वैल्यू मुझे फिक्स याद नहीं है, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। उन्होंने कहा N2 की वैल्यू 298 केल्विन पर 81.48 किलो बार। उन्होंने कहा N2 की वैल्यू 303 केल्विन पर होने वाली है 84 किलो बार। एक्चुअल में ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, बस मैं आपको हल्का सा रफ आइडिया दे रहा हूं। एक्चुअल में इससे आपको पता क्या पड़ रहा है, आपको इससे पता पड़ रहा होगा एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर, हमने 298 केल्विन टेम्परेचर पर देखा KH की वैल्यू क्या थी 76.48, हमने देखा 298 केल्विन पर KH की वैल्यू क्या है 81.48, हमने देखा 303 केल्विन पर KH की वैल्यू क्या है 86.04 किलो बार। इसका क्या मतलब है, यानी कि कोई भी एक गैस है, एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर KH की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं KH की वैल्यू में क्या आता जा रहा है, इंक्रीजमेंट आता जा रहा है। तो यहां से एक टर्म और रिलेट हुआ, वैल्यू ऑफ, यानी हम कह सकते हैं KH इज डिफरेंट फॉर सेम गैस, फॉर सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पर सेम गैस की वैल्यू KH के लिए क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। KH की वैल्यू एक ही गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर चेंज हो जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा KH की वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती चलेगी। तो हम कह सकते हैं यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा KH की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, इंक्रीज, और जब KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, सो X की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज, क्योंकि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X और नॉट, और सो सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको एक फैक्टर समझ में आ गया, यहां तक कि आपका KH की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ही क्या होने वाली है, कम होने वाली है। यहां तक तो बात हो गई KH की, यानी कि अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होने वाली है एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, और किसी एक गैस के लिए भी KH की वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, अलग अलग हो। इसका मतलब KH की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एक्चुअल में हम हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल लेनी है एप्लीकेशन ऑफ देखो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, समझो। सपोज दैट आपके पास, सपोज दैट जो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक एज अ फिक्स, यानी कि जो आपकी मछली है, जो कछुआ है, वो गर्म वाटर में रहना सूटेबल करेंगे, वो गर्म वाटर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या ठंडे वाटर को? यानी कि जो आपकी मछली है वो गर्म वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी या ठंडे वाटर में? बताओ भाई, जो आपकी इक्वेटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गर्म वाटर में रहना पसंद करते हैं या फिर ठंडे वाटर में? यानी कि वो बेटर फील कहां करेंगे, कोल्ड वाटर और या फिर वो हॉट वाटर में रहना पसंद करेंगे? देखो भाई, आपको पता है जो सिंपल वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मिक्स होती है, जो कि जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां से O2 गैस इनहेल्स करते हैं। अगर हम बात करें हम हॉट वाटर की, किसकी बात करें, हॉट वाटर की, हॉट वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो समझो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू, kh की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, और kh की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। इसका मतलब जो आपके एक्वेटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हॉट वाटर में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो जो कंफर्टेबल फील करेंगे वो किसमें करेंगे, कोल्ड वाटर में। तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और हम बात करें नेक्स्ट इज कोल्ड वाटर की, कोल्ड वाटर में हम देखें, कोल्ड वाटर का मतलब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो kH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और kH की वैल्यू डिक्रीज होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इजीली सांस ले पाएंगे और एक बेटर फील करेंगे। या तो बात समझ में आ गई, यानी कि जितने भी इक्वेटिक्स आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोल्ड वाटर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट सपोज हम बात करें कार्बोनेटेड ड्रिंक, हम बात कर रहे हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि ऐसी ड्रिंक्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, लाइक एग्जांपल ऑफ सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। देखो कोल्ड ड्रिंक्स में एक्चुअली होता क्या है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में एक वाटर होता है आपका और उसमें CO2 गैस होती है और उसमें कुछ शुगर प्रेजेंट होती है और कुछ उसमें कलर डाल देते हैं। एक्चुअल में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें कौन सी गैस मिक्स होती है भाई, CO2 गैस। वो क्या करते हैं, CO2 गैस को अंडर हाई प्रेशर वाटर में सील कर देते हैं, उसे पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये CO2 गैस है वो वाटर में इन्वॉल्व हो जाए, वाटर में अच्छी तरह से क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक्स का जो आपका कैप होता है, जो सील होती है, उसको ओपन करते हो तो क्या होता है, बहुत एक सनसनाहट से आवाज होती है और वहां से CO2 गैस इन्वॉल्व होती है, बड़ी फिस्ट साउंड, जो फिस्ट साउंड होती है आपके सामने,
इसका मतलब फिश साउंड होने का मतलब क्या है, यानी कि वहां से CO2 गैस क्या हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है और कुछ गैस के साथ लिक्विड भी बाहर निकालना चाहती है, यानी कि जो गैस लिक्विड में सॉल्युबल थी वह लिक्विड भी गैस के साथ आएगा या नहीं आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर वाले होते हैं, वो हेनरी लॉ को एप्लीकेबल करते हैं, वो हेनरी लॉ के हिसाब से अपना काम करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा गैस का प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे जो हमारी गैस है वो ड्रिंक में इजीली मिक्स हो पाए, वो लिक्विड में इजीली मिक्स हो पाए और उसके टेस्ट में कोई चेंज ना आए। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वाले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं भाई, ये जो हमारी CO2 गैस है वो उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मिक्स रहे, और जितना ज्यादा CO2 गैस मिक्स होगा उतना ही ज्यादा उसका टेस्ट होने वाला है। अगर CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी तो आपको उतना टेस्ट आने वाला नहीं है। एक बार सपोज आपने दो एक ग्लास आपने यानी कि आपने कोल्ड ड्रिंक लिया जो कि आपकी ठंडी थी, एक ग्लास आपने जो कोल्ड ड्रिंक ली वो क्या थी आपकी गर्म, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, दोनों का चेंज क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो आपकी कोल्ड कोल्ड ड्रिंक होगी उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो आपकी हॉट कोल्ड ड्रिंक होगी उसका टेस्ट क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है उसमें CO2 गैस बहुत ज़्यादा मिक्स होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे जैसे हम हॉट यानी कि हॉट कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर वाले हैं वो किसके हिसाब से काम करते हैं, वो भी हेनरी लॉ को एप्लीकेबल करते हैं और CO2 गैस को अंडर अ हाई प्रेशर सील करते हैं, जिससे CO2 गैस आसानी से उसमें सॉल्युबल हो सके और उसका टेस्ट क्या हो सके, सेम रह सके। और वो सेकंड प्रायोरिटी देते हैं ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है वो ठंडी से ज्यादा से ज्यादा क्या बनी रहे, कोल्ड बनी रहे, जिससे CO2 गैस उसमें इजीली सॉल्युबल हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें हम, दैट इज स्क्यूबा डाइवर्स। हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन डीप सी। रेस्पिरेशन इन डीप सी का मतलब क्या है, देखो आपने स्कूबा डाइविंग का मतलब क्या है, जो लोग पानी के अंदर तैरते हैं उन्हें हम कहते हैं स्कूबा डाइवर्स, यानी कि जो लोग पानी के अंदर तैरते हैं उन्हें हम गोताखोर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्कूबा डाइवर्स। आपने देखा होगा मोस्टली मूवीज में या रियल लाइफ में वो अपने कंधे पर क्या बांध के चलते, एक सिलेंडर बांध के चलते हैं जिसमें मोस्टली एयर फिलअप होती है और उसमें ओ टू और एन टू गैस वो फिलअप करके चलते हैं। जैसे जैसे वो पानी में नीचे जाते जाएंगे, सपोज दैट हम बात करते हैं ये जो हमारा टेम्परेचर है, हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, यहां पर एक्चुअली प्रेशर कितना अप्लाई है, 180 एम। एक्चुअल जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर है उसका प्रेशर कितना होगा, 180 एम। और हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं भाई, ओ टू गैस। हम क्या एन टू गैस इनहेल करते हैं या नहीं करते, हम एन टू गैस इनहेल नहीं करते। आपके दिमाग में आ रहा होगा इस जो आपकी एयर है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम है लेकिन N2 का अमाउंट कितना होता है, 78%। 78% एयर में कौन सी गैस होती है आपकी, N2 गैस होती है। इस हिसाब से हमारी N2 गैस क्यों इनहेल्थ नहीं करते हैं, हम O2 गैस ही इनहेल्थ क्यों कर रहे हैं, यानी कि N2 गैस को इनहेल्स करने के लिए, N2 गैस को अगर देखो अगर सपोज दैट हम इनहेल्स करेंगे, देखो O2 जो गैस होती है वो ब्लड में आके क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन N2 गैस ब्लड में सॉल्युबल नहीं हो पाती है, उसके लिए ये प्रेशर बहुत कम है। लेकिन हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चलेंगे तो N2 गैस भी हमारे ब्लड में क्या होने लगेगी, सॉल्युबल होने लगेगी। जैसे जैसे देखो सपोज दैट स्क्यूबा डाइविंग, स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं यानी कि वो हम नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, अगर वो डीप सी में नीचे जाते जा रहे हैं तो क्या होने वाला है, उनको प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा। जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे उन्हें प्रेशर ज्यादा फेस करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा
तो जो सिलेंडर में आपकी O2 और N2 गैस फिलअप है वो तो रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू करेंगे हम, उस सिलेंडर वाली गैसेस के थ्रू, O2 और N2 के थ्रू। जैसे हम N2 O2 गैस आपस में इनहेल्स करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तो हमारे ब्लड में O2 के साथ साथ N2 गैस भी डिसॉल्व होने लगेगी अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन गैस के साथ साथ N2 गैस भी डिसॉल्व होने लगेगी। और जैसे हम अब हम ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होता चलेगा, और जैसे जैसे प्रेशर कम होता चलेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे वैसे वैसे आपकी जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है वो क्या होती चलेंगी, सॉल्युबिलिटी उनकी कम होती चलेगी, यानी कि वो वहां से निकलना स्टार्ट कर देंगी। हम ऊपर आते जा रहे हैं, O2 गैस निकलती जा रही है लेकिन N2 गैस पूरी तरह से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि जो N2 गैस का रेडियस है वो जो हमारी कैपिलरी जो ट्यूब्स है, जो हमारी नसों वाली जो ट्यूब्स है उसके थ्रू ये गैस निकलेंगी। जो N2 गैस की रेडियस है वो कैपिलरी ट्यूब से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पाएगी और वहां पर जाके वो फंस जाएगी, यानी कि N2 गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वहां पर जाके फंस जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ सप्लाई नहीं हो पाएगा, सॉरी O2 गैस, ब्लड में O2 गैस आगे की तरफ सप्लाई नहीं हो पाएगी और उसमें बबल्स बन जाएंगे। और उसमें क्या बन जाएंगे, बबल्स। बबल्स बनने से जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा ब्रेक हो जाएगा और हमारी बॉडी पेन करने लगेगी। इस बबल्स को हम बैंड्स भी कहते हैं। हमारी बॉडी क्या करने लगेगी, पेन करने लगेगी और इस बबल्स को हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगा और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मोस्टली अपने गैस सिलेंडर में O2, N2 और हीलियम गैस भी फिलअप करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने O2 और N2 गैस फिलअप की थी, उसके साथ साथ हम क्या फिलअप करते हैं मोस्टली, अब N2 गैस भी फिलअप, सॉरी हीलियम गैस भी फिलअप करते हैं। हीलियम गैस क्यों फिलअप करते हैं उसके पीछे रीजन क्या, वो समझते हैं। अब हम अपने सिलेंडर में मोस्टली 56% हम बात करेंगे N2 की, 11.7% हम बात करेंगे HE की, और आपका बच्चा है 32% हम फिलअप करके चलते हैं ऑक्सीजन गैस इन अ सिलेंडर। अब आपके दिमाग में रहा होगा हमने हीलियम गैस से क्या होने वाला है, देखो जो ये जो हीलियम गैस होती है वो बहुत हल्की गैस होती है, वो बहुत छोटी गैस होती है। अगर जो हीलियम गैस को हम सिलेंडर फिलअप करके चलेंगे तो वो N2 गैस को ब्लड में मिक्स होने नहीं देगी, और जैसे ही हम ऊपर आएंगे वो बहुत इजीली आराम से ब्लड से वहां से निकल जाएगी। इसलिए हम HE गैस सिलेंडर में भर के चलते हैं और ये बहुत एक अच्छा एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन की हम बात करें, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा भाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं यानी पहाड़ों पर चलते चलेंगे वैसे वैसे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और हमें O2 गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए, सफिशियंट अमाउंट में हमें O2 गैस नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, जो हम O2 गैस ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हो पाएगी। अगर ब्लड में O2 गैस सॉल्युबल नहीं हो पा रही है तो इसका क्या मतलब है, अगर ब्लड में O2 गैस पूरी तरह सॉल्युबल नहीं हो पा रही है तो हमारे यानी कि पूरे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक होने वाला है और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी वीकनेस आ जाएगी, जैसे नाक से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, कुछ मेंटल डिजीज होने लग जाएंगी यानी कि मेंटली प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, कुछ पागलपन आने लगेगा और हम क्या कह सकते हैं, कुछ हमको बेहोश भी हो सकते हैं वहां और हमारी डेथ भी हो सकती है। इस तरह की जो हमारी डिजीज होती है उसे हम कहते हैं एनोक्सिया, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर मोस्टली आपका क्या होता है, टेम्परेचर, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस
क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में मिक्स नहीं हो पाएगी, और जब ऑक्सीजन गैस हमारी ब्लड में मिक्स नहीं हो पाएगी तो हमको कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जैसे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, जैसे खून मुंह से खून निकलना, नाक से खून निकलना, कुछ मेंटल डिजीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कुछ पागलपन होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ब्लाइंडनेस यानी कि आंखों से कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और हम बेहोश भी हो सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस तरह की मोस्टली इसलिए हम क्या करते हैं, इस मोस्टली डिजीज को क्या कहते हैं हम, एनोक्सिया। अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, और हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यू मेडिकल्स।